हेलो फ्रेंड्स, मीराज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आंवले का मुरब्बा, जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। आंवले का मुरब्बा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारे बाल झड़ते नहीं हैं और सफ़ेद नहीं होते, और बालों की लेंथ भी बहुत अच्छी होती है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे घर पर हम बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। हमने यहाँ 500 ग्राम आंवला लिया है, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच काला नमक लिया है, और यहाँ हमने 500 ग्राम चीनी ली है। सबसे पहले हम आंवले में अच्छे से फॉर्क से छेद कर लेंगे। हमें इस तरीके से छेद करना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के छेद करना है। हमें छेद बहुत अच्छे से करना है ताकि इसकी कड़वाहट बॉईल करते टाइम निकल जाए। आपको छेद करते टाइम बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो ये हाथ में भी चुभ सकता है। देखिए हमने कितने अच्छे से छेद कर लिया है, इसी तरीके से आपको भी करना है। ये बहुत अच्छे से पूरे आंवले में छेद हो चुके हैं, इसी तरीके से हम बाकी भी कर लेंगे। यहाँ हमने भगोने को गैस पे चढ़ा दिया है, अब हम इसमें पानी डालेंगे बॉईल होने के लिए। जैसे ही पानी में उबाल आने लगेगा, हम सारे आंवले एक एक करके इसमें डाल देंगे। हमें आंवलों को ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना है। अब हम इसे कवर करके 1 से 2 मिनट तक उबालेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारे आंवले भी बॉईल हो गए हैं। हमें इन्हें 1 से 2 मिनट ही बॉईल करना है, इससे ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना है, नहीं तो मुरब्बे अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इन्हें पैन से निकाल लेंगे। हमने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया है, अब हम इसमें बॉईल किए हुए आंवले डाल देंगे। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। और करछी से इस तरीके से चलाएंगे। हमें आंवले को लो फ्लेम पर इसी तरीके से करछी से चलाते रहना है। इससे जो चीनी होगा बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। देखिए चीनी कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमें पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे, इससे टेस्ट जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च डालेंगे। और इसे करछी से चलाएंगे। देखिए चाशनी में भी उबाल आ गया है। अब हम इसे इसी तरीके से करछी से चलाते रहेंगे। हमें 10 से 15 मिनट तक इसे इसी तरह चलाते रहना है, जब तक हमारी चाशनी तैयार ना हो जाए। आंवले का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। देखिए चाशनी में अच्छे से तार बनने लगा है, इसका मतलब चाशनी तैयार हो गई है और हमारे आंवले के मुरब्बे भी तैयार हो गए हैं। आंवले के मुरब्बे बनकर तैयार हो गए हैं, ये बहुत टेस्टी बने हैं। आप ठंडी के मौसम में इन्हें बनाइए और खाइए, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इन्हें काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये 3 दिन बाद ही खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखिए 3 दिन बाद इनका कलर कितना अच्छा गया है और ये खाने के लिए भी तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नीचे दिए हुए बेल बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।